हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांशु भारद्वाज और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्निकल गेमर SB। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WW2K 18 ISO PPSP गेम के बारे में। ओके गाइस, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छी तरह देखिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आप कमेंट भी कर सकते हैं, नीचे आपको कमेंट बॉक्स मिल जाएगा, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आज हम रियली WW2K18 के बारे में बात करने वाले। बहुत दिन हो गया WW2K का गेम अपलोड किए हुए, तो मैं आपको आज लिंक तो नहीं दूंगा क्योंकि इसमें एक एरर आ गया है, क्योंकि इसमें जो प्लेयर्स रहते हैं WW2K18 का, उसमें प्लेयर्स तो मैंने ऐड कर दिया है लेकिन सब प्लेयर ऐड नहीं किया। मतलब जो पुराना पुराना प्लेयर है उसको मैंने ऐड कर दिया है, लेकिन जो नया नया प्लेयर, जो जिंदर महल और कुछ कुछ जो नया नया प्लेयर आया है, वो सबको मैंने ऐड नहीं किया है। उसका मैं सेव डेटा बना के, नया सेव डेटा बना के ऐड करूँगा। और दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 2 MB का है, सिर्फ और सिर्फ 2 MB का। अगर आपको यकीन नहीं होता तो वीडियो को पूरा देख लीजिए, ज़ेरार चिबर एप्लीकेशन के अंदर जाके आपको मैं पूरा इसका दिखा दूँगा कि पूरा 2 MB का है। 2 MB भी नहीं, उससे भी ज़्यादा कम। इसका तो सेव डेटा है कुछ 600 KB का है, सिर्फ KB का। तो चलिए दोस्तों, पहले आपको मैं रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ कि आपके फ़ोन में कितने होने चाहिए और कितने नहीं होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐप के बारे में जान लेते हैं कि आपका फ़ोन में क्या क्या ऐप होना चाहिए। दोस्तों, आपका फ़ोन में लगभग PPSP गोल्ड होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। लेटेस्ट वर्जन वाला होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप YouTube पे भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, या जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड, आपको ज़ेरार्चिबर ऐप होना चाहिए। ज़ेरार्चिबर ऐप भी बहुत ज़रूरी है, इसका लिंक भी मैं दे दूँगा। इसे तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। आपका रैम लगभग 1 GB से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 GB से कम हुआ तो लैग करेगा, बहुत ही ज़्यादा फंसेगा। लेकिन उसका टेंशन आप मत लीजिए, मैं आपको PPSP का सेटिंग बताऊंगा। गेम अच्छे से सैमसंग फ़ोन में वर्क करेगा, ओप्पो फ़ोन में वर्क करेगा, वीवो फ़ोन में वर्क करेगा, हर एक एंड्रॉयड फ़ोन में वर्क करेगा। मैंने 3 नाम दिया लेकिन वर्क हर एक फ़ोन में करेगा। और दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि चिंता मत कीजिए कि सेटिंग्स का, क्योंकि मैं आपको PPSP का सेटिंग ही बताऊँगा, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। और मेरा भी 1 GB है, इसलिए मैं आपको PPSP का सेटिंग बताऊंगा। तो अब हम ज़ेरार्चिबर के ऐप के अंदर चल के आपको मैं कुछ इसका बताता हूँ, आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि रियली कितना साइज है इसका। मेरा फोल्डर जहाँ पर मैंने डाउनलोड किया था, हाँ, माई गेम्स पे किया था, देख लीजिए। सिर्फ और सिर्फ 600 KB मैं आपके लिए लाया हूँ। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मुश्किल से ये सेव डेटा अपने PC से मैंने कंपेयर करके बनाया, बहुत कन्वर्ट करके बनाया, बहुत मुश्किल हुआ, तो इसलिए थोड़ा सा लाइक कर दीजिए वीडियो को प्लीज़, और शेयर भी कर दीजिएगा। इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, 600 KB का है, 600 KB का है। नेक्स्ट हम सेव डेटा का भी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सेव डेटा भी लगभग 632 KB का है, लेकिन 1 MB तो आपको लग जाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा गेम है दोस्तों, बहुत ही अच्छा गेम है। सिर्फ 1 MB का है दोस्तों, 1 MB तक थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 1.5 MB का पकड़ लीजिए। PSP का फोल्डर में ऐसे डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अभी गेम को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, आपको मैं दिखाऊंगा, प्रूफ दिखाऊंगा कि अच्छे से गेम वर्क करता है क्या नहीं करता। सेटिंग में बताऊँगा PPSP का। ओके, तो PSP का आपको इसका क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है, फोर्थ ऑप्शन और अपलोड चाहिए। फिर एक्सट्रैक्ट है, हमेशा बोलते हैं, ऐसे सेकेंड ऑप्शन में बोल दिए, पेस्ट कर देना यहाँ पर। PSP का फोल्डर आ जाएगा जब पेस्ट कर देंगे, और आपको चलना है माई गेम्स फोल्डर पे, वहीं पे फोल्डर पे सेव डेटा में क्लिक करना है। इसको आप एक्सट्रैक्ट हेयर भी कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, व्यू करके वहाँ से कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं। व्यू करके यहाँ से इसे कट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, डिवाइस मेमोरी में जाता हूँ। ये PSP का फोल्डर यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और ये भी बहुत ही फास्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, आइकॉन वगैरह स्मैगनर मसल्स रॉ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। यही प्रॉब्लम आया कि इसमें जो आइकन होता है PPSP का, वो स्मैगनर मसल्स रॉ आ रहा है, 2K18 आ ही नहीं रहा है। PPSP को हम ओपन कर लिए, अब आपको मैं दिखा देता हूँ उसका आइकॉन कि स्मैगनर मसल्स रॉ है या फिर WW2K18 का आइकन है। थोड़ा सा इसमें सेव डेटा डालना बाकी है, इसलिए देख सकते हैं दोस्तों क्या है। स्मैकडाउन मसल्स 2011 SBR 2011। तो अब हम अपना गेम को ओपन कर लेते हैं, एक मिनट बैक कर लिया, हाँ ओपन।
मैंने बैक किया था क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम था। हाँ, तो देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस होता है इसके अंदर, गेम के अंदर। अच्छा ही गेम है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसका जो टेक्सचर है, इसका जो मोशन है ना गेम का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और पूरा इंट्रो वगैरह सब आपको देखने को मिल जाता है। गेम के आइकन में आपको बस प्रॉब्लम आता है बस, लेकिन गेम के अंदर तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, गेम के आइकन के अंदर बस प्रॉब्लम आता है। तो एक प्लेयर में सेट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। ये नहीं, ये नहीं, ये हाँ ये ठीक लगता है। हाँ रैंडी ऑर्टन नहीं, आपको कौन सा लगता है? ये अंडरटेकर, ट्रिपल एच मेरे ख्याल से ठीक है। ठीक है ट्रिपल एच को ले लेते हैं, चलिए ट्रिपल एच को ले लेते हैं। बहुत ही अच्छा मैच होने वाला है, फुल गेम पे तो नहीं दिखाऊंगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है और यहाँ पर प्रॉब्लम भी है, लैगिंग होगा भी, देखिएगा थोड़ा सा लैगिंग होगा, यही प्रॉब्लम है। थोड़ा सेटिंग भी कर लेते हैं दोस्तों, सेटिंग कर लेते हैं, सेटिंग हम चलिए सेटिंग कर लेते हैं फिलहाल। सेटिंग में हम ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, फ्रेम स्किपिंग को 2, ठीक है 2, हाँ 2 बस इतना ही कर लेते हैं। मेरा भी रैम 1 GB ही है, इसका थोड़ा सा लैगिंग करेगा। इसका 2, 3, 4 GB है ना, उसका बहुत ही अच्छे से चलेगा। देख सकते कितना कूल इंट्रो है, सब आपको देखने को मिल जाता है, पूरा ऑडियंस से भरा हुआ है स्टेडियम, बहुत ही ज़्यादा कूल है। ट्रिपल एच का एंट्रेंस देखिए, किन का तो आपने एंट्रेंस देख ही लिया होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए, और कमेंट नहीं किया इस वीडियो में तो कमेंट कर दीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।